Hi guys, in this video we are now doing the circular flow diagram. So circular flow के अंदर हम बोलते हैं कि this is a very simple diagram कि हमारी जो economy है वो कैसे function करती है. इसके अंदर हमने सिर्फ two agents लिए हैं. हमारे पास households हैं, consumers like you and me are households, and we have firms. So जो firms हैं वो goods and services produce करती हैं और वो हायर करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और जो हाउसहोल्ड्स हैं वो सेल करते हैं अपनी सर्विसेज. दे सेल देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. हमारे पास एक मार्केट है गुड्स एंड सर्विसेज की और हमारे पास एक मार्केट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. तो हाउसहोल्ड ने अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनी सर्विसेज दी. दे गेव लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है. वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसने हायर करे? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करे फर्म्स ने. तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव कर गए फर्म्स के पास. उसके ल्यू में फर्म्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट दी, विच वॉज वेजेस फॉर लेबर, रेंट फॉर कैपिटल, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. और वो पैसा जो है वो इनकम बन के चला गया हाउसहोल्ड्स के पास. वो इनकम बन के चला गया हाउसहोल्ड्स के पास. उस इनकम से हाउसहोल्ड्स ने क्या किया? उस इनकम से हाउसहोल्ड्स ने डिमांड करा गुड्स एंड सर्विसेज को. सो दे डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. डिमांड हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट. जब उन्होंने डिमांड करी गुड्स एंड सर्विसेज की तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड किसके पास गई? फर्म्स के पास. तो फर्म्स के पास क्या आया? रेवेन्यू. उस रेवेन्यू के अगेंस्ट फर्म ने दिए गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स एंड सर्विसेज इस मार्केट से ट्रैवल करके आई हाउस होल्ड के पास. सो दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. सो दिस इज आवर सिंपल सर्कुलर फ्लो डायग्राम. इसके अंदर हम बोलते हैं हाउ एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स एंड फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड. तो इसके अंदर जो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में GDP फॉर्मेशन करा था ना, वो आप यहाँ पे समझ सकते हो. तो अगर फर्म ने रेवेन्यू दिया 100 रुपीज का, तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज भी 100 रुपीज के ही तो बनाए होंगे. 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए होंगे, मतलब यू नो व्हाट डू वी मीन बाय अ गुड वर्थ 100 रुपीज. हमारा मतलब होता है कि उस गुड का प्राइस जो है वो 100 रुपीज है. वो 100 रुपीज या तो उसमें से कुछ पोर्शन गया होगा लेबर को, कुछ पोर्शन उसका गया होगा कैपिटल को, कुछ पोर्शन गया होगा लैंड को, और कुछ पोर्शन रखा होगा एंटरप्रेन्योर ने. तो लैंड ने जब वेज अर्न करी तो उसकी इनकम हो गई. कैपिटल और लैंड ने जब रेंट अर्न करा तो उसकी इनकम हो गई, रेंट और इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर ने जब प्रॉफिट अर्न करा तो वो उसकी इनकम हो गई. सो इसका मतलब जो प्राइस था वो सारा का सारा इज इक्वल टू इनकम. दैट इनकम इज द वन व्हिच विल कन्वर्ट इनटू डिमांड ऑफ गुड. डिमांड विल कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू फॉर द फर्म. सो दैट इज वाई ये सारे के सारे फैक्टर्स का जो अमाउंट है वो सेम है. जितने की इनकम होगी उतने की डिमांड होगी, जितने की डिमांड होगी उतने का रेवेन्यू होगा, जितने की रेवेन्यू होगा उतने का ही प्राइस होगा और इनकम होगी. सो इट्स नॉट लाइक एनी अमाउंट कैन बी डिफरेंट, विच इज वाई जब आप GDP कैलकुलेट करते हो इनकम मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से वो सेम आता है, क्योंकि जितनी इनकम है इकोनॉमी में उतनी ही तो डिमांड है इकोनॉमी में, राइट. दैट इज द बेसिक बिहाइंड द सर्कुलर फ्लो डायग्राम. Okay, so apart from this, only one concept is left in this particular chapter, which is PPF, which I'm going to do in the next video. Okay, thank you.